छात्रों, आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है इसको अभी पढ़ते हैं। एक ही अर्थ देने वाले दो या दो से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखो, एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द या दो से अधिक शब्द, इनको ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। देखो, इन उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। बाग में बच्चे खेल रहे हैं, पहला वाक्य है बाग में बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरा वाक्य है बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। दोनों वाक्य समान दिख रहे हैं। कैसे? तो बाग और बगीचा, दोनों वाक्य में फर्क क्या है? बाग और बगीचा, है ना। ये दो शब्द ही अलग अलग हैं, पर अलग अलग होकर भी यह समान अर्थ दे रहे हैं, इसलिए दोनों वाक्य का अर्थ क्या हुआ? समान हुआ, क्योंकि बाग को ही बगीचा कहा जाता है। बगीचा, वन, बाग, इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिए इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसके और उदाहरण हम देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है आ। आ के लिए पर्यायवाची शब्द है चक्षु, अग्नि, पावक। दूसरा शब्द है आदमी, मानव, मनुष्य, नर। तीसरा शब्द है आंख, चक्षु, नयन, नेत्र। चौथा शब्द है नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। पांचवा शब्द है पुत्र, सूत, बेटा, तनय। छठा शब्द है रात, रात्रि, निशा, रजनी। सातवां शब्द है स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत। आठवां शब्द है जग, संसार, विश्व, दुनिया। नौवां शब्द है माँ, माता, जननी, अम्बा। दसवां शब्द है मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। और भी कुछ उदाहरण है जिनको अभी हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर ग्यारहवां शब्द है हवा, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, समीर। बारहवां शब्द है कपड़ा, चीन, वस्त्र, पट। तेरहवां शब्द है पृथ्वी, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है धरती, भू, भूमि। चौदहवां शब्द है जंगल, वन, कानन, अरण्य। पंद्रहवां शब्द है आकाश, नभ, गगन, अंबर। देखो, अब हमने यहाँ पर 15 शब्द देखे जिनके पर्यायवाची शब्द भी हमने देखे हैं। आपको क्या करना है, इन शब्दों को अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिखना है और उसको पठन करना है।